अगर आप हॉरर स्लैशर मूवीज़ का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं मूवीज़ को कवर किया है जिसको हमने पिछले वीडियो में मिस कर दिया। ये हमारे हॉरर स्लैशर सीरीज़ का 11वां पार्ट है। अगर आप इसकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट से आकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप कहीं जाओ और वहाँ आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो जाए तो ऐसे में आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? नंबर 5 पे दे दी ओल्ड वेज। 1 घंटे 30 मिनट की मूवी में हम देखते हैं एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट को जो एक डीमन द्वारा पोसेस्ड हो जाती है। अब कैसे वह उनसे छुटकारा पाती है, बस इसी को इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। नंबर 4 पे आती थी हाउसेज अक्टूबर वेल्ट। ये मूवी 2 पार्टों में बटी हुई है। मूवी में 5 दोस्त होते हैं जो हेलोवीन में सबसे डरावने प्लेस को ढूंढते हैं। लाइफ में कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल को जान लेना बहुत जरूरी होता है, वरना कई बार वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। नंबर 3 पे आती है गेम ऑफ डेथ जो आई थी 2017 में। 1 घंटे 13 मिनट की मूवी में देखते हैं कुछ दोस्तों को जिनको एक गेम मिलता है जिसमें उनको एक टास्क मिलता है जिसे अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो वो एक एक करके मारे जाएंगे। आपने खेतों में कई जगह ऐसे पुतले देखे होंगे जिसे पक्षियों को डराने के लिए लगाया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं स्केयर क्रोस 2017 में आई। इस मूवी की कहानी में हम देखते हैं एक फार्मर को जो इंसानों को पुतले के तौर पर अपने खेतों में लगाता है, वो ऐसा क्यों करता है। क्या होता अगर आप मरे हुए लोगों को देख पाते? नंबर 1 पे थे लास्ट नाइट इन सोहो जो आज 2021 में, जिसकी रेटिंग है 7.3 की। 1 घंटे 56 मिनट की मूवी हम देखते हैं एक महत्वाकांक्षी डिजाइनर को जो रहस्यमय तरीके से 1960 के दशक में चली जाती है, जहां उसका सामना एक चकाचौंध करने वाली गायिका से होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों से जो ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ बताना है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।